साल 1991 को आजाद भारत के इतिहास में काफी अहम माना जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तब आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट और इराक पर अमेरिकी हमले की वजह से इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर अस्पष्ट रूप से दिखा था। अब पूरे तीन दशक बाद 2020 में फिर से कुछ वैसा ही घटनाक्रम होता दिखाई दे रहा है। भारत में उस वक्त आरक्षण को लेकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ छात्रों के एक वर्ग का जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ था। बात अगर वर्तमान परिस्थितियों की जाए तो जैसे इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकी हमले में मार दिया गया, ठीक ऐसा ही वाकया तब भी हुआ था जब उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन के नेतृत्व वाले इराक पर हमले का आदेश दिया था। इसकी वजह से मध्य पूर्व में तनाव बहुत बढ़ गया था और कच्चे तेल के दाम भी बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए थे। ऐसे ही हालात अब 2020 में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। भारत में देश भर के कई यूनिवर्सिटियों में छात्रों के जरिए आंदोलन किए जा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फीस में इजाफे को लेकर देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई। इसके बाद ईरान की तरफ से इराक में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमले किए गए, जिस वजह से क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। यही नहीं, अगर भारत की राजनीति के लिए 1990-91 का दौर अहम था तो अर्थव्यवस्था के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ था। उस दौर में वित्त मंत्री रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में ऐतिहासिक बजट पेश किया था। उसी दौर में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी थी। लेकिन सच ये भी है कि उसी दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट से गुजर रही थी। एक बार फिर अर्थव्यवस्था के लिहाज से तीन दशक बाद कमोबेश वैसी ही स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है। भारत की GDP 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है और ग्रोथ रेट 5% के नीचे आ गिरी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं और उनसे एक बार फिर वही उम्मीद की जा रही है जो 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाए थे और कामयाब भी हुए थे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 1991 की उथल पुथल और फिर उससे उभरती अर्थव्यवस्था जैसी तस्वीर इस बार फिर से सामने आएगी, यानी एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा पाएगा। स्पेशल डेस्क BHBC न्यूज। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।